Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, आफ्टरनून पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित त्यागी। हमारे साथ मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विकास बागड़िया जी। विकास जी, आज हम टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। विकास जी, आइए शुरू करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पर। जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, और त्यागी जी आपको भी गुड आफ्टरनून। मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, सारे के सारे शेयर्स में गजब का फॉल देखने मिल रहा है। तो इसी कड़ी में टाटा मोटर्स के बारे में देखना, काफी हमारे जो दर्शक है, काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर टाटा मोटर्स के बारे में बताइए। तो आइए थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल से ग्लिम्स करके देखते हैं टाटा मोटर्स के पोजिशन पे। देखिए, टाटा मोटर ग्रुप इज अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, सभी जानते हैं, ठीक है। रेवेन्यू इनका जैगुआर एंड लैंड रोवर से 69% रहता है, टाटा के कमर्शियल व्हीकल से 18%, पैसेंजर व्हीकल से 12% और व्हीकल फाइनेंसिंग से 0.8%, ठीक है। इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया में इनका बहुत ही ग्लोबल प्रेजेंस है, अच्छा खासा प्रेजेंस है, ठीक है। फंडामेंटल्स की बात करूँ तो स्टॉक का पी 9.58 है और इंडस्ट्री पी 21.3 है, मतलब अंडर वैल्यूड चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप 3,23,688 करोड़ का मार्केट कैप है, 2 रुपए का फेस वैल्यू है, डिविडेंड पे आउट 14.9% है, ठीक ठाक है। 42.6% प्रमोटर के पास है, 20% FII के पास है, 16% DII के पास है, पब्लिक के पास मात्र 20% है। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ 20.6% है, प्रॉफिट वेरिएशन 93.1% है, तो दैट मीन्स कोई ज्यादा रेड फ्लैग्स है नहीं, ठीक है। अगर मैं कंपेयर टू इस पीयर्स की बात करूं तो सारे के सारे पीयर्स आप देख रहे हैं, एसएमएल इसीजू 20.71 के पीई पे है, फोर्स मोटर 19.74 के पीई पे है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 6161 के पीई पे, अशोक लेलैंड 25 के पीई पे, टाटा मोटर सिर्फ 9.5 के पीई पे, ठीक है जी। तो दैट मीन्स फंडामेंटली तो मेरे को कोई वैसे दिख नहीं रहा। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी की देखो तो ये 4 साल थोड़ा कंपनी के लिए टफ गया था, 2019 से लेकर 2022 का। उसके बाद अभी देखिए कंपनी ने 23 में 2690 और मार्च 2031,807 करोड़ का शुद्ध मुनाफा क्लॉक कंपनी ने किया है। तो दैट मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली अब धीरे धीरे अपने लैकलस्टर मूव से निकलते हुए नजर आ रही है, ठीक है। विकास जी, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस अवधि में आप इसके रिजल्ट नेगेटिव जाने की बात कर रहे हैं, उस समय जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हुआ था और वहां की कानूनी पेचीदगियों की वजह से कंपनी के रिजल्ट पर असर आया था जी। तो ये तो रहा कंपनी का फंडामेंटल एस्पेक्ट, तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स वैसे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है जी। बस एक रेड फ्लैग है, प्रमोटर्स ने अपना जो होल्डिंग है कुछ कमाया, 46.36% से इस क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को घटा के 42.58% किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को एक थोड़ा सा रेड फ्लैग लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे कोई रेड फ्लैग इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल इनसाइट्स पे। टाटा मोटर्स के शेयर ने विकास जी पिछले 1 साल की अवधि में निवेशकों को 621 रुपए के लेवल से 1180 रुपए के लेवल तक करीब 95% का रिटर्न दे दिया है, राइट। तो देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर्स पे काफी लोगों का चर्चा रहता था एंड मैं बार बार बोलता था कि टाटा मोटर्स में अभी बॉटम बना नहीं है, बॉटम बनेगा। तो ये एक बॉटम लेवल है जहां पे आ जाके रुका है 870, वीकली चार्ट पे भी है, मंथली चार्ट पे भी है, जहां से फ्रेश ब्रेकआउट शुरू हुआ था, और डेली चार्ट पे तो 200 दिन मूविंग एवरेज को तोड़ के यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो अब टाटा मोटर्स के जो शेयर्स है, अगर आपको टेक्निकली कुछ करना है तो थोड़ा सा ये जोन जो है ना, ये बफर जोन है 870 से लेके 825 तक का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बीच में आएगा टाटा मोटर होगा, रिजल्ट सामने है, 8th of November को रिजल्ट है, मेरे को लगता है कि 8th of November तक कहीं ना कहीं यहाँ आता है। तो एक्युमुलेट करिए, 820 आपका सपोर्ट होगा टाटा मोटर्स में, बाउंस बैक में आपका टारगेट 935 और 935 के ऊपर में टारगेट रोबस्ट होगा एंड 994 तक के टारगेट होंगे। तो आपको 870 से लेके 830 के बीच में एक्युमुलेट करना है और 820 के नीचे का छोटा सा माइनर स्टॉप लॉस रखना है टाटा मोटर्स जी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये घूमता हुआ नजर आएगा एंड ये जो चीजें हो रही है रोबस्ट हो रही है, मेरे को लगता है कि यहाँ से एक अच्छे मूव्स देखने मिल सकते हैं। विकास जी, टाटा मोटर्स के शेयर 2023 तक
2023 में अप्रैल तक 500 रुपए के आसपास घूम रहे थे, जिसके बाद इन्होंने 1180 रुपए का उच्च स्तर देखा था। मतलब एक साल की अवधि में इस शेयर ने 500 रुपए के लेवल से 1200 रुपए तक का लेवल छुआ है। तो मतलब यह जो बम्पर रैली है, इसके बाद अब शेयरों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये थोड़े कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ब्रेकआउट लेवल इसका 800 सपोर्ट लेवल 830 रुपए के आसपास बन सकता है। जी, 830 के करीब इसका सपोर्ट बन सकता है, और इस सपोर्ट के हिसाब से टाटा मोटर में आपको अपना एंट्री पॉइंट बनाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए इस फॉल को। जी, चलिए विकास जी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वाले आफ्टरनून पॉडकास्ट में आज आपने टाटा मोटर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुझे लगता है कि हमारे बहुत से दर्शक जो टाटा मोटर्स में एंट्री करने की सोच रहे हैं या जो एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं, वो भी इस मौके का फायदा उठाएंगे। इवनिंग पॉडकास्ट में शाम 4:40 बजे विकास बागड़िया जी के साथ हम एक और प्राइस पैटर्न पर आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको शेयर बाजार की बारीकियां सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। विकास बागड़िया जी से शेयर बाजार के पेड कोर्सेज सीखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या उनके नाम के नीचे आ रहे नंबर पर कोशिश कर सकते हैं। विकास बागड़िया जी शेयर बाजार की बहुत सी बारीकियां सिखाते हैं। थैंक यू विकास जी, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद एवरीबॉडी।